बीएसटीसी के लिए 9 अक्टूबर तक होगी रिपोर्टिंग। शुल्क राशि जमा करवाने की अंतिम तारीख 7 अक्टूबर। तीसरी लिस्ट जारी। सीधे एडमिशन का विकल्प नहीं। राजस्थान बीएसटीसी यानी बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट कोर्स के लिए तीसरी लिस्ट जारी होने के बाद अब 9 अक्टूबर तक अपने दस्तावेजों का प्रमाणीकरण करवाकर अलॉटेड इंस्टीट्यूशंस में रिपोर्टिंग करनी होगी। शुल्क राशि जमा करवाने की अंतिम तारीख 7 अक्टूबर है। बीएसटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट को देखा जा सकता है। बता दें कि इससे पहले दूसरे चरण के संस्थान आवंटन की प्रक्रिया खत्म हुई है। दूसरे चरण में आवंटित संस्थान में रिपोर्टिंग की अंतिम तारीख को 26 सितंबर से बढ़ाकर 1 अक्टूबर कर दिया गया था। वहीं शुल्क जमा करवाने की अंतिम तारीख को 25 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया था। जिन आवेदकों का आवंटित सूची में नाम शामिल है उन्हें तय समय में ही दाखिले की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। अगर वो तय समय में ऐसा नहीं करते हैं तो उनका आवंटन रद्द हो सकता है। बीएसटीसी काउंसलिंग अधिकारियों के मुताबिक स्टूडेंट्स को हर हाल में अलॉटेड इंस्टीट्यूशंस में रिपोर्टिंग करनी होगी। समन्वयक लक्ष्मण के मालावत ने पत्रिका को बताया कि यदि स्टूडेंट्स के गृह जिले के किसी कॉलेज में सीटें बचती हैं तो ऐसे में सीधे प्रवेश का कोई विकल्प नहीं है। यदि वे रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो उनका आवंटन रद्द होगा। हालांकि किसी कॉलेज में सीटें खाली नहीं रहेंगी। यदि ऐसा होता है तो इसके लिए अगले राउंड काउंसलिंग का आयोजन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि कई स्टूडेंट्स अपने गृह जिले के नजदीक कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन विभाग ने इसकी अनुमति नहीं दी है। बीएसटीसी करने के बाद कैंडिडेट स्कूल में पहली से पांचवी तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने योग्य बनते हैं। इस कोर्स को पूरा करने के बाद रीट के जरिए थर्ड ग्रेड वैकेंसी के लिए आवेदन किया जा सकता है। बीएसटीसी के लिए उम्मीदवारों को 12वीं पास होना जरूरी है। बीएसटीसी के 338 कॉलेजों में लगभग 24,000 सीटें हैं। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राजस्थान पत्रिका के इंस्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।